हेलो फ्रेंड्स, मौर्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे शाही टुकड़ा। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले चार बड़े ब्रेड लेंगे, उसको चारों तरफ से काट कर निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, और जो भी लोग मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमने ब्रेड के चारों किनारे निकाल लिए हैं। अब हम ब्रेड को दो भाग में काट लेंगे। हमारे सारे ब्रेड कट कर तैयार हो गए हैं। अब एक कढ़ाई में तेल को हाई फ्लेम पर गरम करें। तेल गरम होने पर उसमें ब्रेड के टुकड़ों को डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। हमें दोनों तरफ से ब्रेड के टुकड़ों को गोल्डन ब्राउन करना है। मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई यूज़ की है क्योंकि ये बहुत जल्दी इसमें फ्राई हो जाते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। आपके पास नहीं है लोहे की कढ़ाई तो आप नॉर्मल कढ़ाई भी ले सकते हैं। हमारे ब्रेड के टुकड़े दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे बचे ब्रेड के टुकड़ों को भी डीप फ्राई कर लेंगे। अब एक पतीले में आधा किलो फुल क्रीम दूध लेंगे। दूध को हाई फ्लेम पर गरम करें। दूध को हम एक बार चलाएंगे। चलाने के बाद उसमें मखाना, थोड़ी सी किशमिश डाल लेंगे। और दूध को थोड़ी थोड़ी देर पर चलाते रहेंगे।
दूध में उबाल आने पर 2 बड़ा चम्मच चीनी डालें। आप चाहें तो दूध में केसर भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ केसर नहीं लिया है। दूध को थोड़ा गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध गाढ़ा हो चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ा ठंडा होने देंगे। उसके बाद उसमें फ्राई ब्रेड के टुकड़ों को डालेंगे। टुकड़ों को थोड़ी देर दूध में ही डूबे रहने देंगे। उसके बाद एक प्लेट में निकाल कर कटे बादाम से गार्निश करके सर्व करें। हमारे शाही टुकड़े बनके तैयार हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली डिश के साथ।